उस इंसान के लिए क्या रोना धोना जो छोड़ के चला जाए। जिस वजह से शमशेर घर छोड़ के गया है वो बिल्कुल सही है। तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि हम जैसे लोग कैसे जिंदगी गुजार? एहसास पहली बार हो रहा है जिंदगी गुजार, एहसास पहली बार हो रहा है, और इस एहसास ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। कई दफा सख्त फैसले लेने पड़ते हैं औलाद के लिए, खानदान के लिए, अपने नाम के लिए। तुम एक अय्याश सरफिरे और रईस बात की बिगड़ी हुई औलाद। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शमशेर की अम्मी से मिलने के लिए आएगी और उसे कहेगी कि बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, जिस पर वो कहेगा कि मैं घर कभी वापस नहीं जाऊँगा और उसकी वालदा मोहतरमा नाराज़ होकर चली जाएगी। दूसरी तरफ जब शमशेर की वालदा घर पहुँचेगी तो उसका वालिद कहेगा कि मैंने तुम्हारे बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है, अब तुम उसे कभी नहीं मिलोगी। ये सुनकर शमशेर की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे के बारे में सोचने लग पड़ती है कि अब उसका क्या होगा। शमशेर अपनी बीवी से कहेगा कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया था, इस वजह से अब मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे अब एहसास हो गया है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। शमशेर को कोई भी मुलाजमत पर नहीं रखता क्योंकि वो एक अमीर खानदान से तलक रखता है,